हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। तो आज के वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उन सब के सॉल्यूशंस कर रहे होंगे जो कि हमें बोर्ड के पेपर के अंदर लिख के आना है। और उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प्स दे दिए, तो टाइम स्टैम्प्स पे जाके जिस क्वेश्चन के अंदर भी डाउट है उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली तुम जा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज से। तो पहला क्वेश्चन उसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है तो इनकरेक्ट ध्यान रखना, कई लोग है ना करेक्ट देख लेते हैं और करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। आंसर आने के बावजूद गलत आंसर होना से ज्यादा दुख की बात कोई नहीं है, ठीक है, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बोला है तो इनकरेक्ट चीज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। तो रिएक्शन हमें दी हुई कि 2PbO, 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Pb यानी कि लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है हमारी। तो इसके अंदर बोला क्या क्या चीज रिड्यूस हो रही है और क्या क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हम बोले कि PbO जो है वो हमारे रिड्यूस होके पीबी में जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो ऑक्सीजन था वो निकल गया। अब जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन निकला वो कार्बन के साथ जुड़ के हमारा CO2 बना रहा है। तो हम बोलेंगे जो कार्बन है वो हमारा ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो पीबीओ हमारा रिड्यूस हुआ है और कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं कि ए दिया हुआ है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये गलत है क्योंकि लेड हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, हमारा कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो सी के अंदर दिया हुआ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो ये सही है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो ये भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और ये दोनों ऑप्शन गलत है। और क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो हम बोलेंगे इनकरेक्ट कौन सा, ए है और बी है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3, 4 इसके अंदर से ऑप्शन 1 यानी कि ए एंड बी वाला ऑप्शन हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो बोर्ड्स के अंदर कैसे लिखना है, हमें ऐसा लिखना है कि 1 ऑप्शन ए एंड बी ये सही है, लेकिन अभी जितना लिखा है ना उससे हमें सिर्फ आधे ही मार्क्स मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ए का क्या होगा कि बिकॉज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड हमारा लेड में रिड्यूस हो रहा है, लेड हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ये चीज हमने लिख ली कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा, ऑक्सीजन हट रहा है तो फिर लेड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। अब बी के अंदर हम क्या लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज दिया हुआ है, ये गलत है क्योंकि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एकदम सही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऐसे ही लिख के आना है बोर्ड के अंदर तो तुम्हारे मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये चीज दी हुई है और पूछा ये है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है। तो हम बोले कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैंने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तुमने भी अगर प्रैक्टिस की होगी तो तुम एक सेकंड में चुटकियों में आंसर दे दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे आंसर इज 4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ। फिर इसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना ऑप्शन वाला तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे द ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्लेस टू एल्यूमिनियम मेटल, मतलब कि फेरस ऑक्साइड के जो ऑक्सीजन था वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस बन गया, ठीक है, ये चीज हो रही है। अब ये चीज क्यों हो रही है ये भी लिखेंगे। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन Fe, एल्यूमिनियम क्योंकि Fe से ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम क्या करता है Fe को हटा देता है, बोलता है जा यहां से, तो Fe हट गया, अब उसकी जगह आ गया एल्यूमिनियम, देयरफॉर एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बता दे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दूसरे में ये देख रहे हैं क्यों हो रहा है, तीसरे में देखते हैं कि ये हो रहा है तो इसका नाम क्या है, और फिर लिखते हैं हम हेयर लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव मेटल, जो कि यहाँ चीज हुई है। सिंस वन टाइम डिस्प्लेसमेंट इज अकरिंग देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज इसलिए लिखी है लास्ट वाली लाइन क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो दिया हुआ, ये भी तो हो सकता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब एल्यूमिनियम का भी कोई, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड मान लो, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो फिर एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस Fe और Fe विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, मतलब कि फेरस क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाते तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका, फेरस को हटा के एल्यूमिनियम आ गया, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी बहुत सिंपल था, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग्स।
क्या हुआ, आयन फिलिंग्स यानी कि आयन के छोटे 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 टुकड़े, अब वो सारे हमारे एक बाउल में पड़े थे, उसके अंदर हमने क्या किया कि HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, थोड़ा सा डाइल्यूट डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, तो ऑप्शन में दिए हुए कि हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, या फिर आयन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, इन सब में से क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है इसकी और देखना कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। तो रिएक्शन हम लिखते हैं कि 2HCl plus Fe, HCl और Fe रिएक्ट कर रहे, गिव्स FeCl2 plus H2, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। तो इसके अंदर हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ Fe बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर वन, हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये चीज ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में ये लिखा कि ऑप्शन वन, ये चीज आर प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ था, एज इट इज लिख लिया। फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख लिया, द क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिस्प्लेस्ड बाय आयन फिलिंग्स टू अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर हमने रिएक्शन लिख दी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में अगर सिर्फ रिएक्शन में लिख लोगे ना तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो ये चीज भी लिखो, क्योंकि पूरा आंसर कंप्लीट आंसर यही होगा, लेकिन अगर ये लिखोगे तो भी एग्जामिनर मार्क्स दे ही देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट हो गया। तो ये थे हमारे तीनों ऑप्शन वाले क्वेश्चन, अब आते हैं थोड़े से छोटे क्वेश्चन लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर पे, इसके अंदर बोला व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप पूछ लिया हमने डेफिनेशन कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, और बैलेंस क्यों करना होता है, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा लिख लिया जो हमने पढ़ा था, अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। मतलब रिएक्टेंट में अगर दो Fe है ना तो प्रोडक्ट में भी दो Fe हो गए, रिएक्टेंट में अगर चार ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी चार ऑक्सीजन हो गए। ये चीज हमें कंफर्म करनी है, अगर ये चीज हो रही है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन की हमने डेफिनेशन यहां तक लिख दी, अब क्यों करनी होती है, तो उसके लिए लिखे गया हम कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों चीज लिख सकते हैं, और बेटर ये रहेगा कि एनर्जी की जगह मास लिख लो, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि Fe का जो मास प्रोडक्ट साइड में वही हमारा रिएक्टेंट साइड में भी होना चाहिए, सिमिलरली ऑक्सीजन का जो रिएक्टेंट साइड में वही हमारा प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जो मास है जो कि रिएक्टेंट साइड में वही हमारा प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाता है इसके अंदर, जिसके कारण हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी यहाँ कंप्लीट होता है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर क्या बोला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम, कि मतलब हमें एक डेफिनेशन मतलब लाइन दी हुई है, उसे हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और लिखने के बाद हमें उसे बैलेंस भी करना है। तो एक एक करके जाते हैं, सबसे पहले ए पे जाते हैं, ए में क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हमें लिखेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो एच टू प्लस एन टू गिव्स एनएच थ्री अमोनिया, अमोनिया कॉमन नाम है एनएच थ्री का, ये चीज याद रखो। डेफिनेशन से केमिकल रिएक्शन लिखने के अंदर सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि किसी को अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता, केमिकल फॉर्मूला, तो फिर वो क्या लिखेगा, फिर उसका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अमोनिया हमें याद रखना है कि वो एनएच थ्री होता है, कहीं पे भी नोट भी कर सकते हो, और अगर तुम चाहते हो तो स्टिकी नोट लगा दो दीवार पे कि अमोनिया हमारा क्या होता है, एनएच थ्री रहता है, या फिर कहीं पे भी लिख दो दीवार के ऊपर लिख दो, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती तो, ऐसा नहीं दीवार पे लिख दिया बोलोगे कि सर ने बोला है भाई दीवार पे लिख दो, मम्मी मुझे डांटेगी ना, फिर वो नहीं करना तुम्हें। तो H2 plus N2 gives NH3। तो देखो अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस किसी भी मेथड से करो, NCERT वाले से करो या मेरा नाम जीरो वाले मेथड से करो, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेथड तो पूछा नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरा नाम है जीरो वाले मेथड से करके दिखाता हूं ये वाला कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेरा यानी कि मेटल, मेटल है इसमें, एक भी मेटल नहीं है तो छोड़ो इसको। फिर आता है नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे टू लगा दिया। जब यहाँ पे टू लगाया तो दो नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा हो गया बैलेंस। मेरा नाम जीरो, जीरो यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं है यहाँ तो उसको भी छोड़ो, है यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने है, एच थ्री के दो है, यानी कि यहाँ छह हाइड्रोजन है और यहाँ कितने, यहाँ दो है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ थ्री लगा देते हैं, यहाँ थ्री लगा देते हैं, यहाँ पे भी छः हो गए, यहाँ पे भी छः हो गए। अब पूरा चेक करो फिर से कि यहाँ छः हाइड्रोजन, यहाँ छः हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे कि थ्री हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स टू टाइम्स ऑफ एनएच थ्री। तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारी बैलेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी के बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S,
ठीक है, बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। कोई भी चीज को हम जला रहे हैं ना हवा में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही होती है, इसका मतलब यही है। तो बर्न्स इन एयर तो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, H2S प्लस ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो वाटर यानी कि H2 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। तो ये लिख दी हमने नॉर्मल अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब करेंगे हम इसको बैलेंस। बैलेंस करने में क्या देखेंगे, सबसे पहले मेटल, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर मेटल है नहीं है, आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन से, सल्फर है, और यहाँ पे भी सल्फर है, तो नॉन मेटल है हमारे पास, ठीक है। तो नॉन मेटल देखा, सल्फर एक, यहाँ पे भी सल्फर एक, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए, मेरा नाम जीरो के अंदर, अब जीरो पे आया हम, तो ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे एक और दो, टोटल तीन है, तो इन दोनों को सेम सेम करना है। तो देखो, सिर्फ ऑक्सीजन वाला लोनली होता है ना, सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं हम, क्योंकि उसको अगर चेंज कर रहे हैं नंबर में, तो बाकी का कोई एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन या फिर मेटल नॉन मेटल चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, जिसके कारण ये थ्री आ जाएगा, अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये हो गया 3। अब बोलोगे फ्रैक्शन में क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो अभी फ्रैक्शन में कर लेते, जब पूरी इक्वेशन बन जाएगी ना, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम मैं बताता हूँ। तो अभी तो फिलहाल 3/2 कर दिया, तो 3/2 किया तो तीन ऑक्सीजन हो गए, सल्फर एक था वो सही था, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन और यहाँ पे भी तीन, ये भी सही हो गया। अब आ जाएगा हाइड्रोजन पे, जो कि लास्ट, यहाँ दो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है, लेकिन इसके अंदर जो कोफिशियंट्स है ना, वो हम नेचुरल नंबर रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अगर तुम बोल रहे हो, तो आधी ऑक्सीजन गैस कैसे होगी, ऑक्सीजन गैस होगी तो पूरी होगी। वैसे तो ये भी सही है, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन हम इसको कर देते हैं होल नंबर में। तो इसको क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ गया। तो हम लिख लेते हैं 2H2S प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO2, सिंपल। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, बी ऑप्शन भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं सी वाले पे। सी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये चीज बोली है, एक एक करके देखते हैं। पहला बोला बेरियम क्लोराइड, तो हम लिख लेते BaCl2। अब BaCl2 क्यों लिखा, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। तो जैसे कि मैंने लेक्चर्स के अंदर बताया था कि क्लोरीन की वैलेंसी बेरियम के सामने आ जाएगी और बेरियम की वैलेंसी क्लोरीन के सामने चल जाएगी, तो बेरियम की 2 होती है तो यहाँ 2 आ गया, क्लोरीन की 1 होती है तो यहाँ 1 ही रह गया, तो BaCl2। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट बोला था, सल्फेट की 2 रहती है और एल्यूमिनियम की 3 रहती है, तो एल्यूमिनियम के आगे 2 आ जाएगा और सल्फेट के आगे 3 आ जाएगा, तो हमने बोला Al2SO4 3, ठीक है। फिर आ जाता हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम ऐसे एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, AlCl3 लिख लिया, एल्यूमिनियम की साइड और क्लोरीन की साइड, AlCl3 प्लस अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इसकी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, तो देखो 2-2 है, तो इसको हमने 1-1 कर दिया। वैसे अगर 3-6 होता तो इसको 1-2 कर सकते थे, ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। तो BaSO4 के अंदर हम Ba2SO42 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, तो BaSO4 लिख लिया हमने, सिंपल। तो ये हो गई हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब करते हैं इसको बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले मेटल, मेटल के हमारे पास यहाँ बेरियम है और एल्यूमिनियम है, 2-2 मेटल है, तो सबसे पहले किसी को भी कर लो, पहले मैं करता हूँ बेरियम को, यहाँ एक बेरियम और यहाँ पे भी एक बेरियम, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब आ जाते नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन से, सल्फर और क्लोरीन है। तो सल्फर को जब हमने देखा, तो यहाँ पे 3 सल्फर है टोटल और यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो हमने क्या किया यहाँ 3 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 3 सल्फर हो गए, यहाँ पे भी 3 सल्फर हो गए, सिंपल। अब आ जाते हमारा क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ 2 थे और यहाँ पे 3 3 के 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे भी अगर हम 3 लगा देंगे तो यहाँ पे भी कितने हो गए 6 क्लोरीन। अब आ जाते ऑक्सीजन पे, यहाँ देखो यहाँ 12 ऑक्सीजन है और इस साइड कितने 4 के 3 यानी कि 12, यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके अंदर एक भी नहीं है, तो हमारी बैलेंस हो जानी चाहिए, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। तो देखो टोटल कितने बेरियम है, यहाँ 3 बेरियम है, यहाँ पे भी 3 बेरियम है, सही है। यहाँ 2 2 के 3 क्लोरीन यानी कि 6 क्लोरीन है और यहाँ 3 3 के 2 क्लोरीन यानी कि 6 क्लोरीन है, ये भी सही है। एल्यूमिनियम पे आते हैं, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, सही है। सल्फर, यहाँ 3 सल्फर और यहाँ पर भी 3 सल्फर, ये भी सही है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 4 के 3 यानी कि 12 ऑक्सीजन और यहाँ 4 4 के 3 यानी कि 12 ऑक्सीजन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये आ जाती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ऑप्शन सी भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, एक एक करके करना है, नॉर्मल इजी है बहुत, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एकदम इजीली हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डी, डी यानी कि पोटेशियम वाले पे, कि पोटेशियम मेटल, पोटेशियम क्या होता है हमारा, के होता है, तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
तो पोटेशियम मेटल क्या होता है, के, ये लिख लिया, रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि H2O पानी का फॉर्मूला होता है, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH लिख लिया हमने, एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। अब करते हैं इसको बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले मेटल, मेटल गैस के अंदर K है, एक K यहां एक K यहां, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। फिर हम करते हैं नॉन मेटल को बैलेंस, नॉन मेटल इसमें एक भी नहीं है। फिर करते हैं हम ऑक्सीजन को, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। फिर अब आ जाता है लास्ट में हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे दो और एक, तीन हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें, अब देखो हाइड्रोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले H2 ढूंढेंगे जिसके अंदर बाकी का कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी का कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको चेंज करके बाकी के एलिमेंट भी चेंज नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं अगर हाफ, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, 1/2, तो फिर यहाँ कितने हो गए, ये एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन बैलेंस। अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो आधा नहीं पाया जाता, पूरा ही पाया जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। पूरी इक्वेशन को जो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे 1/2 × 2 यानी कि 1 आ गया। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन ये हो जाती है कि 2K + 2H2O गिव्स 2KOH + H2, ठीक है। यहाँ पे गैस भी लिख सकते हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट दिया था तो यहाँ पे सॉलिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस, ये हो गया हमारे चारों के चारों क्वेश्चन फिफ्थ के। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर जैसे उसके अंदर हमें लाइन दी हुई थी, उससे हमें इक्वेशन लिखनी थी और इक्वेशन लिखने के बाद उसे बैलेंस करना था। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, सिर्फ हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहला वाला करते हैं। तो हमने देखा HNO3 + CaOH2 गिव्स CaNO3 2+H2, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल देखते हैं, मेटल कौन सा है, कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम यहाँ पे भी एक कैल्शियम थे, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आ जाता है हमारा क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल के यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे भी नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लगा दिया, सिंपल, तो नाइट्रोजन भी हो गया हमारा बैलेंस। फिर आ जाता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3, 3 के 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन है प्लस ये 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए। और इस साइड कितने, 3, 3 के 2 है यानी कि 6 और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये भी 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो हमारे टोटल ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। आखिरी चीज आएगी अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है टोटल, ठीक है। और यहाँ कितने, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन यही है, 2HNO3 + CaOH2 gives CaNO3 2+2H2, तो वही चीज हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका ए पार्ट का आंसर आ गया। अब आते हैं हम बी वाले पार्ट पे। बी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ, NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O, इसको भी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल देखते हैं, मेटल कौन सा है, सोडियम, और यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ एक सोडियम है और प्रोडक्ट साइड के अंदर पूरे 2 सोडियम है, Na2SO4 है ना, तो 2 सोडियम है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया तो सोडियम सोडियम बराबर, तो हो गया मेटल हमारा बैलेंस। अब आ जाते नॉन मेटल पे, नॉन मेटल इसमें सल्फर है, यहाँ एक सल्फर और यहाँ पर भी एक सल्फर, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए क्योंकि 2NaOH था, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गया हमारे रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हो गया हमारे 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, तो H2 हो गया, आगे 2 लगा दिया तो क्या हुआ, ये भी हो गए 6 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में भी 6 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में भी 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा। तो बात है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। तो हमारी लास्ट इक्वेशन यही आ जाती है कि 2NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + 2H2O, सिंपली हो गया बैलेंस। तो यही वाली चीज हम लिख देंगे आंसर के अंदर यहाँ। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन भी कंप्लीट। अब बी ऑप्शन के बाद आते हैं हम सी वाले पे, जो सी पार्ट दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या, NaCl + AgNO3 gives AgCl + NaNO3, तो एक तरह से ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, गेस करो, ये वाली सी वाली, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंस करना है, जैसे प्रैक्टिस के लिए कर दिया। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं, मेटल कौन से, सोडियम भी और सिल्वर भी है, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले सोडियम देखते हैं, तो सोडियम यहाँ पे एक है और यहाँ पर भी एक है, सही है, तो ऑरिजिनली वैसे ही सही है। फिर सिल्वर देखते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये भी सही है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल, वो है क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये भी सही है।
और नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये भी सही है ऑलरेडी। फिर आता है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ पे भी तीन है, ये भी सही है, और कुछ बचा ही नहीं, हाइड्रोजन वगैरह है नहीं इसके अंदर। तो ये देखो सी वाला जो पार्ट था नहीं, ऑलरेडी बैलेंस था, पागल बना रहे हम लोग को ये। तो सी वाले को हमें डायरेक्टली ऑप्शन में एज इट इज आंसर के अंदर लिख देना था, तो हमें मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगी, कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन जो है वही बैलेंस इक्वेशन है, तो सीधा आंसर में लिख दिया, खत्म बस। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर, जो कि एज इट इज क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस थी, उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आ जाते डी पे। अब डी के अंदर क्या है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मेटल को करते हैं, मेटल कौन सा, बेरियम। यहाँ एक बेरियम, यहाँ पे भी एक बेरियम, तो क्या हो गया हमारा बेरियम और बेरियम एक एक, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आ जाते नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, ये भी एक एक है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। अब आते हैं दूसरे नॉन मेटल पे जो कि क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ टू लगा देते, सिंपल, तो यहाँ पे भी दो क्लोरीन हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ चार ऑक्सीजन, यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन, तो इसको भी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो पूरी इक्वेशन एज इट इज थी, बस HCl के आगे टू लगाना था और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती, ठीक है। ये भी हमने आंसर लिख दिया डी के अंदर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला बैलेंसिंग थी, और कितनी इजीली हमने बैलेंसिंग कर ली, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा मुझे लगता है बैलेंसिंग के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है हमारा पूरा। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये लिखा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द, फिर से बैलेंस करना हमको, लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसके अंदर वर्ड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर। ये लिख दिया हमने अनबैलेंस्ड। अब करेंगे इसको बैलेंस। अब बैलेंस करने में क्या, सबसे पहले देखेंगे मेटल। तो जब हमने मेटल देखा तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम मेटल है और यहाँ पे भी कैल्शियम मेटल है, दोनों एक एक है, रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर आ जाते नॉन मेटल पे, नॉन मेटल इसमें क्या, कार्बन, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं। फिर और नॉन मेटल्स नहीं दिख रहे, सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और दो है, तो मतलब टोटल चार ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने, तीन और एक यानी कि चार, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या लास्ट में, हाइड्रोजन। यहाँ दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है, मतलब कि ये पूरी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा जो जो लिखा है ना वो हमने लिख लिया, ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। तो ये चीज हो गई हमारी नॉर्मली बैलेंस्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई हमारी। लेकिन इसके अंदर देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो, ये मैंने जानबूझ के लिखवाया है कि ये कि 2CaOH2 plus 2CO2 gives 2CaCO3 plus 2H2, तो इसने क्या किया है, बेसिकली ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 5 करो, 10 करो, 1000 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, केमिकल इक्वेशन वही है, बैलेंस वैसी ही रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, 2 की जगह हर जगह 3 होता तो वो भी हो सकता है, तो ये सारे आंसर हो सकते हैं। तो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना वो हो जाता है कंप्लीट। ये हमारा इसका फर्स्ट था, ये हमारा इसका सेकंड है, और ये हमारा इसका थर्ड है, और ये हमारा इसका फोर्थ है, ठीक है। तो अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में लिखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ठीक है हम यही लिखते हैं, जिंक यानी कि ZN प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। NO3 की कितनी वैलेंसी रहती है, एक रहती है, और सिल्वर की भी कितनी रहती है, एक रहती है, तो AgNO3 आ जाएगा। गिव्स जिंक नाइट्रेट, अब जिंक की कितनी वैलेंसी रहती है, दो, और नाइट्रेट की कितनी रहती है, एक। तो क्या इक्वेशन आएगी सोचो एक बार, ZnNO3, क्योंकि जिंक की NO3 के सामने और NO3 की जिंक के सामने, यहां आ जाता है ZnNO3 प्लस क्या है, सिल्वर, सिल्वर यानी कि Ag। अब इसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेटल, मेटल कौन सा है इसके अंदर, जिंक भी है और Ag भी है, तो हम दोनों को एक एक करके करते हैं। पहले जिंक देखते हैं, यहाँ एक जिंक, यहाँ पे भी एक जिंक, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Ag यहाँ पे एक Ag, यहाँ पे भी एक Ag, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे भी एक, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन आएगा, ZnNO क्या बोला था, NO3 ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन हो गए, तो अब हमें नाइट्रोजन चेंज करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन चेंज करने के लिए यहाँ हम अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ दो नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ 2 जैसे लगाए Ag भी चेंज हो गया, तो फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, ये 2 रहने देना, 2 मत हटाना, फिर से स्टार्टिंग से करेंगे। अब मेटल फिर से देखेंगे, जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस था,
एजी यहाँ दो है, तो यहाँ पे भी दो एजी लगाने पड़ेगा ना, तो एजी एजी फिर से बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन हमने देख लिया था, अब आएंगे हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितने तीन तीन के दो यानी कि छः, और यहाँ पे भी तीन तीन के दो यानी कि छः, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाती है Zn plus 2AgNO3 gives ZnNO3 whole twice plus 2 times of Ag। यही चीज हो जाती है हमारी सेकंड का आंसर। ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा, ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लिखते हैं थर्ड। थर्ड वाला क्या होगा, देखो थर्ड के अंदर लिखा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो नॉर्मली क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl, कॉपर की कितनी रहती है 2 और क्लोरीन की कितनी रहती है 1, क्लोरीन की कॉपर के सामने, कॉपर की क्लोरीन के सामने आ गई, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि Al, एल्यूमिनियम कितनी रहती है 3, क्लोरीन की कितनी रहती है 1, AlCl3 प्लस कॉपर यानी कि Cu, ठीक है सिंपल। तो ये तो हमने लिख ली नॉर्मल इक्वेशन, अब इसको कर देते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं मेटल। मेटल कौन सा, एल्यूमिनियम भी और कॉपर भी है। एल्यूमिनियम देखते हैं तो यहाँ एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कॉपर यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक कॉपर, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल पे, जो कि हमारा क्लोरीन और उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ तीन क्लोरीन है, अब इसको करना पड़ेगा हमें चेंज, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते 3/2 लिख दे, अगर 3/2 क्लोरीन, तो ये क्या हो गया टोटल तीन क्लोरीन यहाँ हो गए, तीन क्लोरीन यहाँ हो गए। अब 3/2 लिखा तो क्या हुआ, देखो कॉपर भी चेंज हो गया, कॉपर कितना हो गया हमारा 3/2 कॉपर हो गया, तो यहाँ पे भी हमको 3/2 लिखना होगा। अब देखो ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, लेकिन इसे होल नंबर में करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ Al प्लस 3 टाइम्स ऑफ CuCl3 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ AlCl3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cu। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये सी भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ वाले पे, लास्ट पे। तो फोर्थ वाले के अंदर क्या बोला कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl, बेरियम की कितनी रहती है 2 रहती है, तो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, K की 1 रहती है और सल्फेट की कितनी रहती है बताओ, सल्फेट की रहती है 2, तो K2SO4, ये चीज लिख दी। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, बैलेंस ही एक्सचेंज करनी है, ठीक है। गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, दोनों की दो दो रहती है तो कोई फायदा नहीं, कट गए निल हो गए। BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कितना हो गया KCl, दोनों की एक एक रहती है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वेशन। अब कर देते हैं इसको बैलेंस। बैलेंस कैसे, सबसे पहले मेटल देखते हैं, बेरियम यहाँ पे भी बेरियम एक एक नॉर्मल है, यहाँ दो के यानी दो पोटेशियम, यहाँ पे एक ही पोटेशियम, ये तो बड़ी ना इंसाफी है, तो यहाँ पे भी दो लिख दिया हमने, तो दो पोटेशियम इधर दो पोटेशियम उधर, दोनों की दोनों हो गए और ये पोटेशियम भी बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल पे, नॉन मेटल दोनों है, यहाँ पे क्लोरीन भी है और सल्फेट भी है, क्लोरीन को भी करेंगे और सल्फेट को भी करेंगे। क्लोरीन यहाँ कितने दो, यहाँ पे क्लोरीन दो हो गए ऑलरेडी। सल्फेट देखते हैं एस कितने यहाँ पे, सल्फर, सल्फर एक, यहाँ पे भी सल्फर एक। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ चार ऑक्सीजन, यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन, तो हर चीज होगी हमारी बैलेंस। तो ये है हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको हम यहाँ लिख देते कि ये है हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर पार्ट 4, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, काफी इजी, जैसा 5th और 6th था वैसा ही हमारा 7th क्वेश्चन भी रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर क्या बोला, इसके अंदर भी बैलेंस करना है, बैलेंस ही बैलेंस करते जाना है, पूरी चैप्टर के अंदर बैलेंस ही बैलेंस इक्वेशन आ रही, इसको भी बैलेंस करते चलो और क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर बोला राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ब्ला 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 ब्ला, और इक्वेशन दे दी इसको करना हमें बैलेंस, और क्या बोला एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। अब देखो बैलेंस बढ़ते बढ़ते अगर ये चीज नहीं पढ़ी होती ना मैंने, मेरे सारे आधे से ज्यादा आधे मार्क्स कट जाते फालतू के। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे ब्ला 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 करके जैसे मैंने पहले पढ़ लिया था वैसे नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे, बात एक ही या फिर बैलेंस करके टाइप ऑफ रिएक्शन कर लो। तो इसके अंदर देखो KBr plus Bi2 gives Ki plus BaBr2, ये कैसे दिख रही है, राहुल राज वाली की, दोनों ने अपनी गर्लफ्रेंड कर दी एक्सचेंज, वो वाली दिख रही है। तो ये हो जाती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड कौन सी हो जाती है, ZnCO3 gives ZnO plus CO2, एक चीज टूट के दो चीज में बन रही है, तो इसको हम क्या बोलते थे, डीकम्पोजिशन। तो ये हो गया हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट आता है H2 plus Cl gives HCl, इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें मिलके एक चीज बन रही है हमारी, तो ये क्या हो जाती है हमारी, ये हो जाती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। और लास्ट वाली हो जाती है हमारी Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2, ये वही हुआ, राज ने आके राहुल को निकाल दिया और नेहा के साथ खुद आ गया, तो ये कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट।
और एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार ही देखो हमने लिख दी, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चारों के चारों के टाइप लिख दिया हमने। अब करते हैं हम इसको बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करेंगे हम के बी आर प्लस बी ए आई टू गिव्स के आई प्लस बी ए बी आर टू। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल, मेटल कौन सा है इसके अंदर, मेटल है के और बी ए। के यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस। बी ए यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस। फिर आते नॉन मेटल, यहाँ पे बी आर एक है लेकिन यहाँ पे दो है, ये बैलेंस नहीं है, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू, तो दो बी आर यहाँ हो गए, दो बी आर यहाँ हो गए, लेकिन इससे के चेंज हो रहा है, तो के चेंज हुआ, के कितना हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया टू, ठीक है। तो के बैलेंस है ऑलरेडी, बी बैलेंस है, बी ए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, बी आर भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आता है आखिरी नॉन मेटल जो कि आई, आयोडीन। यहाँ दो आयोडीन और यहाँ पे भी दो आयोडीन, हो गया ना बैलेंस हमारा, 2KBr + BaI2 gives 2Ki + BaBr2, simply balanced। ये चीज हमने यहाँ लिखी, देखो balanced equation लिखी, फिर इसके type लिख दिया हमने, तो पहला वाला part complete। Similarly दूसरे वाले को balance करते हैं, ZnCO3 gives ZnO + CO2, काफी easy है। सबसे पहले metal देखते हैं, Zn Zn same same, CC same same, तीनों और एक और दो, तीनों same same, तो ये already balanced equation है, तो ये equation भी balance हो गई और इसके सामने हमने reaction का type लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे, यानी कि थर्ड वाले पार्ट पे, H2 plus Cl gives HCl। ये भी बहुत इजी है और ये तो बहुत फेमस भी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हाफ डाल दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, सेम सेम Cl Cl सेम सेम, लेकिन यहाँ हाफ नहीं रखेंगे हम, यहाँ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। तो आ जाते थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट के अंदर क्या, देखो एच टू प्लस सी एल टू गिव्स एच सी एल, ये चीज है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हमने क्या किया यहाँ पे टू लगा दिया, तो एच टू यहाँ पे और एच के दो, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम, क्लोरीन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, तो सेम सेम, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो देखो ये वाली इक्वेशन बैलेंस लिख ली और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका टाइप। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइप पहले अगर लिख दोगे ना तो ज्यादा ईजी रहेगा। अब आ जाते इसके लास्ट पार्ट पे, ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर क्या है, देखो लास्ट पार्ट के अंदर है एम जी प्लस एच सी एल गिव्स एम जी सी एल टू प्लस एच टू, इसको करते हैं बैलेंस। तो ये देखो एम जी सेम सेम, ठीक है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे एक एक है, तो यहाँ टू लगा दिया, तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन हो गए, तो ये भी हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो इस बैलेंस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं और इसका टाइप यहाँ लिख देते हैं, सिंपल। बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ये एट्थ वाला, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना। इसके एग्जाम्पल जो इक्वेशन दिए ना वो बहुत ईजी है बैलेंस करने में, तो इसमें डरना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। और जल्दी जल्दी मतलब ये नहीं कि गलत कर दो, तुम सही करना और जल्दी जल्दी करना। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अब आया बैलेंस, अब खत्म हुआ है। देखो चार लगातार क्वेश्चन आया बैलेंस के, अब खत्म हुआ है। तो अब आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे बोला है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिखो, एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिखो, दोनों के एग्जांपल्स लिख लो, खत्म, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमने वही लिखा, यहाँ पे तो लिख दिया हमने एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि एनर्जी अगर हम अंदर ले रहे तो वो क्या हो गया एंडोथर्मिक, अगर बाहर निकाल तो एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का भी लिख ला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इनटू सराउंडिंग, सिंपल, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। ऑफ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में आ जाता है फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट बाहर से अंदर आती है, और जो इसके अंदर हीट बाहर निकलती है वो एग्जाम्पल हो गया हमारे एक्सोथर्मिक। उसमें हो गया एक्सप्लोजन, कंक्रीट सेटिंग, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, और थर्मोसेटिंग भी बोल सकते हैं, जो कि पटरियां जोड़ने में काम आता है ना। तो इसके अंदर एक एग्जांपल और लिख सकते हैं जो कि होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है कि मेटल और मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके कारण बहुत हीट निकलती है। तो जो मेटल रहता है वो पिघल के अंदर चले जाता है, यानी कि ये कब काम आता है, ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, जो हल्का सा क्रैक आया होता है उसके अंदर, तो वहां पे मेटल रखते हैं, मेटल ऑक्साइड को इसमें रिएक्ट करवाते हैं। अब उसके बाद ये बहुत एक्सोथर्मिक रहता है, तो जो मेटल होता है वो पिघल के पटरियों के अंदर चले जाता है, पटरियों के अंदर जाके थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते तो सूख जाता है, ठीक है। तो पटरी की जो क्रैक थी वो हमारी डैमेज से बच गई, ठीक है। तो ये होता है थर्मोसेटिंग का एग्जांपल। तो इसमें थर्मोसेटिंग भी लिख सकते हैं, बाकी इतने एग्जांपल्स बहुत है, दो तीन एग्जांपल्स ही बहुत होते हैं। तो अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक क्यों कहलाती है, यानी कि रेस्पिरेशन में क्या एनर्जी बाहर निकलती है। ये पूरा जो कंसेप्ट है ये मैंने लेक्चर्स के अंदर पूरा प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। अब उसे बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है वो देखते हैं कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, ठीक है। वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं उससे मिलती है।
अब इसका पूरा मैंने रिएक्शन बताया था कि जो खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है, फिर जो ऑक्सीजन लेते हैं हम रेस्पिरेशन के अंदर, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और तीसरी चीज एनर्जी बना देती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम यही बोलते थे फूड मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। जो फूड होता है वो हमारा ब्रोकन डाउन हो जाता है, फिर ग्लूकोज बनता है, और वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये लिखे कि दीज सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलॉन्ग विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने बताया था वही है, ठीक है, जो कि होता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। सिंस द एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ हीट दैट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है ना, द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट जो निकल रही है उसके कारण इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, आप फिर रिएक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। C6H12O6, इसको ऐसे लिखेंगे C6H12O6, ये सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है। अब क्योंकि मैं टाइप कर रहा था तो ये नीचे की तरफ नहीं आ पाया, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो C6H12O6 plus 6O2 ऐसे लिखेंगे gives 6CO2 plus 6H2 plus एनर्जी, ये मिलती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये वाला पूरा आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो कि हमें बोर्ड के अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ये कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा कि व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों होते हैं? क्योंकि देखो बेसिकली एक बार हिंदी में बता देते हैं कि डीकंपोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये ऑपोजिटिव ही ना, ये चीज हमें लिखनी है। फिर लिखना राइट द इक्वेशन फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक दो इक्वेशंस लिखनी है डीकंपोजिशन रिएक्शन की, इसके बाद एज एन एग्जांपल। तो हम ये लिखते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्ट इज सेट टू बी रिएक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, वेयर एज डीकंपोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू टू और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो दोनों की डेफिनेशन थी हमने दोनों की डेफिनेशन लिख ली, डीकंपोजिशन की क्या होती है और कॉम्बिनेशन की क्या होती है, ठीक है। दिस एसेंशियली एक्सप्लेन्स दैट द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो इक्वेशन में दिया था एज इट इज छाप दिया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर तुम्हें ये यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट अगर तुम्हें आता है तो लिख दो, और नहीं भी आता तो भी मार्क्स कटने वाले नहीं है इसके, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंस द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और इंड्यूस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स फ्रॉम द लार्जर मॉलिक्यूल। क्योंकि डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हमारे दो तीन मॉलिक्यूल्स में, दो तीन चार जितने भी है उसमें टूट जाते हैं, तो वैसे पड़े पड़े तो टूट नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, भले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सनलाइट हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो टूटते हैं, ठीक है। ये लेक्चर भी मैंने बताया था, तो वही वाली चीज इसके अंदर लिखी है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देने हैं किसके, डीकम्पोजिशन के। तो एग्जाम्पल्स, तीन एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि ZnCO3 क्या ZnO और CO2 में बदल जाता है, CaCO3 के अंदर भी एनर्जी डाले तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, 2HgO हमारा 2Hg और O2 के अंदर बदल जाता है, इन सबके अंदर हम एनर्जी दे रहे हैं तब वो बदल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पे ऊपर एनर्जी लिख सकते हो, यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एनर्जी लिख सकते हो। तो ये होगा हमारे इसके तीन एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी ऐसे ही हो गया। सबसे पहले क्या किया, इसका डेफिनेशन लिखी, इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर बोला कि हाँ ये दोनों ऑपोजिट है, फिर एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर एंडोथर्मिक होती है, बस इतनी सी चीज लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा, ठीक है। एक बार लिख के देखोगे ना तुम, क्वेश्चन क्या करना तुम्हें, जैसे ये वाला पूरा लेक्चर हो जाना उसके बाद अपनी नोटबुक के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखो और अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो कि क्या तुम्हें आंसर याद हुए, ठीक है, ये करना तुम्हें। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक एक इक्वेशन लिखने, एक के अंदर हीट यूज हो रही है, एक के अंदर लाइट यूज हो रही है और एक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो हीट जिसमें यूज होती है ना उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर थर्मोलिसिस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन किसका, पोटेशियम क्लोरेट का। इसको हमने या तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख लो या फिर ऐसा भी लिख सकते कि व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्गली पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोजिशन इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ये जो हमने रिएक्शन लिखी है ना, 2ClO3 प्लस हीट गिव्स 2Cl प्लस 3O2, यही वाली चीज को हमने वर्ड्स के अंदर लिखा है ये। तो ये वाली चीज वर्ड्स के अंदर लिखनी है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। तो ए पार्ट हो गया, मतलब हीट वाली चीज होगी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। इसके भी देखते हैं क्या एग्जांपल है कि डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये तीनों एग्जांपल्स हमें याद रखने, कौन से कि थर्मल डीकम्पोजिशन में कौन सा एग्जांपल आता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा एग्जांपल आता है, और तीसरा है फोटोलिसिस, इसके अंदर कौन सा एग्जांपल आता है। ये तीनों एग्जांपल्स याद रखना।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आता है डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखो वहां पे व्हेन हीटेड स्ट्रॉन्गली, क्योंकि हीट का था, इसके अंदर स्टार्टिंग में लिखते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजिस इनटू सोडियम और क्लोरीन। देखो यही हुआ है, सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम और क्लोरीन के अंदर बदल गया, सिंपल। तीसरा आता है हमारा लाइट वाला, लाइट वाले था ना, लाइट वाला क्या था, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस बोल सकते हैं हम इसको। तो ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये इसका एक एग्जांपल है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजिशन टू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो 2H2O2 हमारा लाइट के अंदर, वाटर के अंदर और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ जाएगा, कि ऑक्सीजन और वाटर के अंदर बदल जाते हैं। और ये देखो ये बैलेंस इक्वेशन भी हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन मिस कर दिया तो प्लस O2, ये जो है ना ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसकी, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स हमेशा याद रखने, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12 वाला, तो एनसीईआरटी के अंदर भी स्टार मार्क कर दो कि 12 वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो देख के ही जाना है बोर्ड के पहले, ठीक है। और सी ऑप्शन में एक बार देखो कि क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना H2O2, ये केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, और केमिस्ट्री लैब के अंदर देखोगे तो H2O2 है ना ब्लैक बीकर के अंदर होता है, कभी भी ऐसे नॉर्मल ट्रांसपेरेंट में नहीं होगा, वो ब्लैक के अंदर होगा, क्योंकि उसके ऊपर जब सनलाइट पास हो रही है, मतलब सनलाइट अगर उसके ऊपर आ रही है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, पानी रह जाएगा और ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, तो जैसे ही खोलोगे बीकर ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी और अंदर से पानी पानी बच जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा H2O2 का, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्लैक बीकर या फिर डार्क बीकर के अंदर करना, ताकि सनलाइट अंदर ना जा सके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द अबव। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमें डेफिनेशन लिखनी है, और दूसरा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और दोनों के एग्जांपल करने हैं, जैसे कि हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था सेम वैसे। तो हमने वही किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन थी, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, वेयर एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हैपन बिटवीन टू कंपाउंड्स। नॉर्मली डेफिनेशन लिख दी दोनों। अब क्या वो देखेंगे, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, वेयर एज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज नेम सजेस्ट टू डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये होता ही है, देखा डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों हो जाते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स लिख लिए, डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल हो गया, बस इतना लिखना है तुम्हें। दो चीज की हमने, पहले तो डेफिनेशन कंपेयर की, फिर कितने डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो कंपेयर किया, और फिर हमने एग्जांपल लिया, बस तीसरी चीज थी, आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, नॉर्मली एक इक्वेशन यानी कि रिएक्शन लिख लेनी है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म के अंदर। तो हम देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा होगा, क्या रिएक्शन है तो लिखनी है, लेकिन आंसर सही होना जरूरी है। तो रिएक्शन क्या थी हमारी, कॉपर प्लस 2AgNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिल्वर मिल रहा है हमें, ये जो सिल्वर है ये मिल रहा है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। तो हमने क्या किया, कॉपर या फिर कोई भी एक ऐसा मेटल जो कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है उसको सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सिल्वर को हटा देगा और खुद आ जाएगा, तो सिल्वर प्योर सिल्वर मिल जाएगा हमको, सिंपल है, ठीक है। तो 14 के अंदर ये रिएक्शन है, यही सिर्फ एक आंसर है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 में। ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी है, थियोरेटिकल है, तो इसके अंदर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, जो बैलेंसिंग थी ना उसके अंदर लगाना था दिमाग थोड़ा थोड़ा। तो 15 पे आते हैं, इसके अंदर बोला व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। जैसा कि नाम में दिख रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, और फिर एग्जांपल दे देंगे। एग्जांपल क्या देंगे, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर कोई भी एक सॉलिड चीज है, सॉलिड होगी तो वो ऐसे करके नीचे बैठ जाएगी, जम जाएगी, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगी। तो हमने लिखा व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन व्हिच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड्स व्हेन वन ऑफ सच कंपाउंड्स फॉर्म इज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जो प्रोडक्ट में है वो सॉलिड फॉर्म में, देन इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दिस सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो बताया जो सॉलिड ऐसे नीचे बैठ जाता है वो प्रेसिपिटेट होता है, एंड द रिस्पेक्टिव रिएक्शन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ नहीं था, बस जो हमने बोला था हिंदी में बस उसको इंग्लिश में लिख दिया, खत्म हो जाती फिर डेफिनेशन। Few examples are कि CdSO4 plus K2S give CdS plus K2SO4। इसमें जो CdS है ना ये हमारा solid होता है जो कि precipitate हो जाता है, और इसका color yellowish रहता है,
ठीक है, इसको याद रखना कि इसका कलर भी येलोइश रहता है, ये 11 12th में भी काम आएगा, ठीक है, कि CDS का कलर येलो रहता है। अगर नहीं आता तो अभी जरूरत नहीं, अपना भी याद हो जाएगा। और ये वाले जो रिएक्शन है ना, ये याद रखना, क्योंकि ये वाले रिएक्शन तुम कभी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर लिख के आ सकते हो एज एन एग्जांपल। दूसरा रिएक्शन है कि 2NaOH + MgCl2 gives 2NaCl + MgOH whole twice, और MgOH whole twice रहता है ना वो सॉलिड रहता है, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जम जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहां खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसके अंदर क्या करना, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखनी है, रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और सबके दोनों के एग्जांपल लिखने हैं। टू एग्जांपल्स लिखा था, दोनों के दो-दो एग्जांपल्स लिखने हैं। तो इसमें बोला कि इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, इट इज द एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ताकि उसका ऑक्साइड बन जाए मेटल का, तो फिर उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी मेटल ले लो, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O, सोडियम रिएक्टिव होता है काफी, इसलिए Na2O सॉलिड बन जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा है H2S + ऑक्सीजन गिव्स H2O + SO2, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो सल्फर जो था इसके साथ हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन आ गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये वाला जो सल्फर है ना, इसका हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दूसरा है रिडक्शन, रिडक्शन देख लेते हैं ना, केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, इसमें एडेड था तो इसमें रिमूव्ड आ गया फ्रॉम द कंपाउंड, देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जैसे एग्जांपल क्या है, CuO सॉलिड था हमारा प्लस H2 गैस, तो Cu सॉलिड और H2O लिक्विड बन गया, यानी कि CuO जो था ना उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से था, मतलब वो मेटल ऑक्साइड था, अब उसमें से क्या जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ कॉपर मेटल बचा हमारा, तो ये हो गया कॉपर सॉलिड। दूसरी रिएक्शन है हमारी HgO, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये क्या देता है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दे देता है हमारा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो मर्क्यूरी ऑक्साइड था, अब ऑक्सीजन निकल गया हमारा बाहर और फ्री एलिमेंट आ गया, इसमें भी ऑक्सीजन निकला, इसलिए ये हमारा रिड्यूस हो गया किसके अंदर, मर्क्यूरी के अंदर। ये दोनों हो गए हमारे रिडक्शन के एग्जांपल्स। बस एग्जांपल्स याद रखो, क्योंकि एग्जांपल्स ही ज्यादातर लोग बोलते हैं, जो डेफिनेशन है अगर तुम्हें दिमाग के अंदर पता है कि क्या चीज होती है तो खुद कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। इंग्लिश ऐसा नहीं गलत खराब इंग्लिश लिख रहे हो, सही से इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो एग्जांपल्स ही है जो तुम्हें याद करने, डेफिनेशन अपना आप ही तुम बना के भी लिख सकते हो, अगर सही है तो फिर मार्क्स मिल ही जाएगी। तो इसके साथ क्वेश्चन 16 भी खत्म होता है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसके अंदर क्या बोला, देखो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है एक्स जिसका कलर क्या है, शाइनी ब्राउन, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब उसे हवा में गर्म करते तो ब्लैक हो जाती है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो वो एलिमेंट बताना और ब्लैक कलर कंपाउंड बताना। तो देखो शाइनी ब्राउन कलर जैसे सुना मैंने, मेरे दिमाग में आ गया कॉपर, क्योंकि देखो टीवी के जो तार होते हैं ना उसको रबड़ हटा के देखना, उसका अंदर कॉपर होता है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर आ गया। अब सोचूंगा मैं कि कॉपर को अगर एयर में हीट करेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वो ब्लैक होता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है और कॉपर का सिल्वर ब्राउन, ठीक है। तो हमने यही बोला था, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज द कॉपर मेटल, हमें पता चल गया कॉपर है, तो हमने लिख दिया वो कॉपर मेटल है। व्हेन द मेटल इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, इससे हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया। और ये भी लिख देंगे हेंस द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज द कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद हम इसके रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि 2 कॉपर + ऑक्सीजन गिव्स CuO, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, आंसर इजी है। बस इसके अंदर मेन चीज जो तुमको पता होनी चाहिए कि कॉपर है वो हमारा सिल्वर ब्राउन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड है वो हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो ताकि बोर्ड्स के अंदर गलती ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि why do we apply paint on iron articles? इसलिए करते हैं ताकि कोरोजन जो होता है, जो रस्टिंग होती है, वो प्रिवेंट हो सके। अब देखो जैसे कि आयरन कोई भी पार्ट, प्लेट है या फिर कूलर है या कुछ भी है, उस पर हमने पेंट लगा दिया। अब वो जो आयरन है अंदर पेंट के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। अब जब कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब जब वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो फिर रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट लगाते आयन आर्टिकल्स पे। ये चीज हम इंग्लिश में लिखते थे क्या, कि आयन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग भी लिख सकते हो, कोरोजन भी लिख सकते हो। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, कोरोजन बहुत तरीकों से हो सकता है, इसमें से रस्टिंग इज अ टाइप। रस्टिंग एक टर्म दिया हुआ है, जब आयन कोरोड होता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं, बट कोरोजन की अलग ही डेफिनेशन है, ठीक है हमारी। तो रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन,
तो कोरोजन के बहुत सारे पार्ट है, मतलब अलग 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 तरीकों से कोरोजन हो सकता है, जिसमें से रस्टिंग एक तरीका है। तो यहाँ पे कोरोजन भी लिख सकते हो। When left unpainted, the metal surface come in contact with the atmospheric oxygen and in presence of moisture, it forms iron three oxide. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेंट नहीं किया तो फिर वो रिएक्ट कर देगी और आयन ऑक्साइड बना देगी, जिसका मतलब है रस्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम पेंट करते हैं ताकि सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर, दस प्रिवेंटिंग रस्टिंग। और जो मैंने हिंदी में बोला वो इसने इंग्लिश में लिख दिया, और यही हमारी डेफिनेशन हो गई। ये चीज हमें लिख के आना एग्जाम के अंदर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसमें बोला ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन, व्हाई? अब ये चीज हमने लेक्चर में पढ़ी थी, क्यों? क्योंकि देखो ऑयल और फैट वाली जो चीज है ना, वो नाइट्रोजन के साथ डाल देते हैं हम, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस रहती है जिसके कारण वो ऑक्सीडेशन को प्रमोट नहीं कर पाती। ठीक है, तो हम बोलते हैं द मेन पर्पस ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट दैट कंटेन्स ऑयल एंड फैट आइटम्स इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी होती थी, वही वाली बात है, प्रिवेंट रेंसिडिटी, ये तो नॉर्मल चीज लिख ली। व्हिच अकर्स व्हेन ऑयल और फैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन लेटिंग आउट एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कि रेंसिडिटी क्या होता है वही हमने लिख दिया, कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया तो क्या होगा, फैट और ऑयल हमारा रेंसिड हो जाएगा और फिर उसमें से गंदा स्मेल और गंदी टेस्ट आएगी। Therefore, by flushing nitrogen, an unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. नाइट्रोजन डाला तो क्या वो ऑक्सीजन कम रहेगा, नाइट्रोजन ज्यादा है तो, अब ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा रिएक्ट नहीं होगा और रेंसिडिटी हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है, जिसे कि लेक्चर में बताया था। अब इसका आता है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब लेक्चर 3 में जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया। क्या? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, और दोनों के एग्जाम्पल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर दोनों के मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल सारी चीजें बताई थी और एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो कोरोजन की डेफिनेशन लिख दो कि कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर अ रिफाइंड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स। द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स ड्यू टू कोरोजन प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन की एग्जाम्पल बताई थी, रस्टिंग ऑफ आयरन, और कौन से हो सकते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, और कौन सा हो सकता है, ग्रीन कलर हो जाता है कॉपर का, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे कोरोजन के, जो कि लेक्चर में मैंने बताया था, तो वो सारी चीजें लिख दो। तो उसके अंदर लिखा है कि एग्जांपल दे दिया, रस्टिंग ऑफ आयन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोरोजन वेयर आयन इज कन्वर्टेड टू आयन ऑक्साइड, रस्टिंग का दे दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड एनुअली इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम ब्रिजेस एंड अदर मॉन्यूमेंट्स। देखो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि लोहे के होते हैं, अब उसमें तो रस्ट आ जाएगा, अब रस्ट आ जाएगा तो क्या वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। जो ब्रिजेस होता है ना बड़े बड़े, सोचा है वो भी तो आयन के होते हैं, और बारिश भी आती है, बारिश आएगी तो उसके अंदर रस्ट तो हो गई क्योंकि मॉइस्चर तो रहता ही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं ना उनको पेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा पेंट कर देते हैं। आईफिल टावर देख लो, आईफिल टावर भी आयन का बना हुआ है, अब उसको भी पेंट करते हैं हम लोग। आईफिल टावर को पेंट करना है, पता है बहुत ज्यादा पेंट लग जाता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि अगर पेंट नहीं किया तो रस्ट हो जाएगा, रस्ट हो गया तो आईफिल टावर नीचे गिर जाएगा, खत्म। अब एक मॉन्यूमेंट ऐसा भी है, पता है इंडिया के अंदर कौन सा है तुम बताना कमेंट के अंदर, जिसको है ना साइंटिस्ट लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ना उसमें पेंट है ना कुछ भी नहीं है, वो आयन का ही अलॉय है, लेकिन उस पर कभी भी रस्ट नहीं आया। कमेंट में बताना अगर तुम्हें पता है तो कि कौन सा मॉन्यूमेंट है। ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ कि वो एक पिलर है। ठीक है, तो आप बी पे आ जाते हैं। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटीरियल दैट प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल। ये क्या कर रहे हैं, रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। द रेंसिडिटी इज रिटार्टेड व्हेन द फूड इज केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर सिंस द लोअर टेम्परेचर डज नॉट प्रमोट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टेम्परेचर अगर कम होगा ना तो ऑक्सीडेशन ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें थोड़ी सी टेम्परेचर की जरूरत है, मतलब या तो रूम टेम्परेचर हो या तो ज्यादा हीट हो, ज्यादा गर्मी होगी तो भी रेंसिडिटी हो जाएगी, इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया ना कि हम रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते, उससे रेंसिडिटी कैसे कम हो जाती है, तो उसके अंदर तुम्हें ये वाली चीज लिखनी है। ठीक है, और ये वाली चीज एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, और फिर इसको एक्सप्लेन कर दे कि क्यों ऐसा क्यों। ठीक है, और भी सारे कई सारे मैंने एग्जांपल्स बताए थे डेंसिटी के, वो सारे भी लिख सकते हो, एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी दो तीन एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, कम लिखने के मार्क्स कटते। ठीक है, तो ये भी हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा हो जाता है आज का वीडियो समाप्त। इसके अंदर और हम कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, बस अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम PYQs कर रहे होंगे जो कि इस चैप्टर से आए थे बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इससे तुम्हें बोर्ड्स की पता चल जाएगा कि बोर्ड्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो NCERT के बैक एक्सरसाइज जैसे ही आते हैं, क्या वो अलग आते हैं, क्या होता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बोर्ड के जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, और जाके सब छोड़ दो।